बड़ी महत्वपूर्ण, स्कूल खुलते ही बढ़ा खतरा, बढ़ते संक्रमण को लेकर एक्सपर्ट ने फिक्र जताई, चिंता जताई। दूसरी लहर में 10% बच्चे संक्रमित हुए थे, बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। दूसरी लहर के बाद आई बहुत सी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तीसरी लहर बच्चों पर सबसे ज्यादा असर डालेगी। कई एजेंसियां कह चुकी हैं कि तीसरी लहर से लड़ाई की जो तैयारी की जा रही है उसमें बच्चों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। कि बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है इसलिए वो तीसरी लहर के डेंजर जोन में है। ये भी कहा जा रहा है कि वयस्कों में कोरोना होने के बाद बच्चों पर खतरा ज्यादा है। म्यूटेंट वायरस बच्चों को निशाना बना सकता है। कोरोना काल का डर एक बार फिर बच्चों को सताने लगा है। और इसके साथ साथ अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आज की तारीख में भी बच्चों की संख्या क्लासरूम में उतनी ज्यादा नहीं दिखती। स्कूल खोलने को लेकर अलग अलग राज्यों के फैसले से भी पेरेंट्स एक तरफ से और एक तरह से चिंतित नजर आ रहे हैं। एक तरफ यूपी बिहार जैसे राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ स्कूल खोलने की तारीख फिर से टाल दी है। हिमाचल प्रदेश में अब 4 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में स्कूल कब से खुलेंगे इसे लेकर दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।